1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है कि चाहे जो भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्रांति मूलभूत से अधिकारों या किसी जो संगठन होता है उसके में मूलभूत परिवर्तन होता है जो थोड़े समय के लिए ही घटित होता है। क्रांति अचानक नहीं होता है। जब अपने अंदर भड़ास होती है, अपने अंदर जो भड़ास होती है उसको निकालने के लिए धीरे धीरे भड़ास संगठित होता है और एक दिन अचानक फूटता है। 1857 की क्रांति के संबंध में भी यही बात है कि जो यहाँ की जनता अंग्रेजों के प्रति भड़ास था उसको उद्गार किया, व्यक्त किया। अब इतिहासकार जो है 1857 की क्रांति के राजनैतिक, आर्थिक, सैन्य, धार्मिक, सामाजिक कारणों के रूप में विभाजित किया। तो हम शॉर्ट में कारण देखेंगे, फिर इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। कहाँ पे कौन सा एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है उसको हम उसी रूप में बनाएंगे, और अधिकतर एमसीक्यू क्वेश्चन जो होंगे वो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। हर एग्जाम में पूछता ही है क्वेश्चन को, तो आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, और हमको जो जो टॉपिक पढ़ना है, रीड करना है, उसमें से कैसे हमको क्वेश्चन निकालना है और क्या हमको याद करना है, ये पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम देखते हैं राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण में जो लॉर्ड डलहौजी का चूक का सिद्धांत था, चूक के सिद्धांत जिसको बोलते हैं गोद प्रथा निषेध, अधिकतर भारतीय जो राजवाड़ा होते थे उसमें बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके कोई पुत्र नहीं होता था। तो अंग्रेजों जो चूक का सिद्धांत था डलहौजी के समय पारित हुआ था, उसमें ये हुआ कि अब गोद लिए हुए पुत्र को मान्यता सरकार नहीं देगी। इसके अतिरिक्त जो हड़प नीति, अब ये गोद लेने की प्रथा निषेध हो गई। अब जब जो दत्तक पुत्र होते थे उनको गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मान्यता नहीं देती थी, इसके तहत उन्होंने क्या किया, उन राज्यों को हड़प कर लिया, व्यापगत कर लिया। ये नीति भी वही है, और इसमें बहुत सारे जो राज्य हैं जैसे झांसी है, जो कानपुर का नाना साहब थे उनके भी नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कानपुर को भी उन्होंने जो था मिला लिया अंग्रेजों ने। तो ये बहुत सारी जो चूक के सिद्धांत की नीति थी, इसमें अंग्रेजों ने अंग्रेज भारतीय राज्यों को अपने अंदर अधिकार में करना शुरू किया। इससे पहले लॉर्ड बेलेजली था जिसने सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सा गवर्नर जनरल जो था उसने सहायक संधि प्रणाली शुरुआत की थी। तो ये लॉर्ड बेलेजली है जिसने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। अब सहायक संधि प्रणाली क्या होता था, अब इस ये प्रणाली ऐसी थी कि भारतीय राजाओं को कहे कि पंगु बना देता था। जैसे जब कोई राज्य स्टेट या कोई राजा सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करता था तो अंग्रेज, और उस शर्त ये होती थी कि अंग्रेजी सेना का एक टुकड़ी उसके राज्य में रख दी जाती थी जिसका खर्च पूरा का पूरा वहन उस राज्य राजा को करना होता था। अब टुकड़ी जो होता है जो होती थी वो राजा पर नियंत्रण स्थापित करने लगी धीरे धीरे। तो सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड बेलेजली किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड बेलेजली ने शुरू किया था। व्यापगत नीति या हड़प नीति या चूक का निदान सिद्धांत है वो किसने शुरू किया था, तो वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की थी। अब डलहौजी द्वारा जो व्यापगत सिद्धांत है उसके तहत कितने राज्य कैसे कब कब हड़पे गए, इस पर भी प्रश्न। सबसे पहले उसने सतारा, सतारा को अपने अंडर में ले लिया। दूसरा है जैतपुर, ये आपका जैतपुर है, जैतपुर राजस्थान में है जैतपुर। फिर है संभलपुर, 1849 में, 1849 से ये 1848 है। बघात है 1850 में, उदयपुर है 1852 में, झांसी है 1853 में। जैसे बोले चूक का सिद्धांत, चूक के सिद्धांत यहाँ पे जो लक्ष्मीबाई थे उनका कोई पुत्र था नहीं,
और उनकी शादी हुई थी गंगाधर राव से। तो गंगाधर राव से शादी हुई थी, उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था दामोदर राय, और अंग्रेजों ने उसको मान्यता नहीं दी और 1853 में झांसी को अपने अधिकार में कर लिया। झांसी ने कहा मैं झांसी ना दो। तो झांसी की रानी जो होता है ये विद्रोह में शामिल हुई थी। नागपुर है 1854 में अधिकार कर लिया गया। अब सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। तो पहला कारण था सती प्रथा का उन्मूलन। हालांकि ये एक सामाजिक न्याय कह सकते हैं, सती प्रथा बड़ा ही मर्मिक घटना, जो विदेशी आते हैं यात्री हैं तो सती प्रथा के संबंध में बड़ा मर्मिक घटना का वर्णन करते हैं। ये कहते हैं कि अब ये कारण भी होता था कि उसमें बहु पत्नी प्रथा चलता था, एक एक थे उनको 8-8, 10-10 पत्नियां रखते थे। और जो बिपिन चंद्र है वो तो लिखते हैं कि एक जो होता है 80 साल के बुजुर्ग की सबसे छोटी पत्नी थी, उसकी उम्र 8 साल थी। अब 80 साल का 8 साल का तो वो तो मृत्यु होगा, तो फिर इनको सती बनना ही था। वहाँ पे एक मंदिर बना दिए जाते थे, फिर का नाम दे दिया जाता सती। तो जो चिता जलाई जाती थी उसमें अब कोई अपने मन से तो उसमें जाकर बैठ नहीं जाएगा, तो क्या करते हैं मादक द्रव्य पिला देते थे। ये विदेशी जो आते थे भारत भ्रमण वो लिखते हैं, तो मादक द्रव्य पिला दिया जाता था और फिर उनको चिता पर बैठाया जाता था। उसके पास से बांस रखते थे और वो जब जो औरत होती थी भागती थी तो उसको बांस से उस चिता में दबाए रखते थे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। तो राजा राम मोहन राय ने इसका समर्थन किया कि सती प्रथा उन्मूलन होना चाहिए। और लॉर्ड बैंटिंग ने 1829 को कानून बनाकर सती प्रथा का निषेध कर दिया। हालांकि ये एक सामाजिक न्याय था, लेकिन भारतीयों को ये लगा कि ये अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमारे सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। फिर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण थे। सैनिक कारण था, लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पारित हुआ और इस घोषणा की गई कि भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। तो समुद्र पार जाएंगे तो कुछ दिन ज़्यादा अधिक दिनों तक समुद्र में रहना पड़ेगा, और जो धार्मिक मान्यता है हिंदू धर्म में वो समुद्र पार जाना वर्जित था। सबसे पहले इस मिथक को तोड़ा था विवेकानंद ने जब वो 1893 में विश्व धार्मिक संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका गए थे। तो भारतीयों को अगर समुद्र में जाएगा तो 8 से 10 महीनों लगेंगे, तो समुद्री चीज ही खाना पड़ेगा। तो उनको ये था कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित किया जाता था, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन मिलता, और डाकघर अधिनियम पारित हुआ। डाकघर अधिनियम से ये हो गया कि जो निःशुल्क सैनिकों के लिए डाक सेवा थी वो भी बंद कर दी गई। अब तत्कालीन कारण सबसे बड़ा, यही भड़ास निकालता है, तत्कालीन कारण ही भड़ास निकालता है। दिसंबर, ये भी आप याद रखें कि कब जो होता है एनफील्ड राइफल्स को लॉन्च किया गया। तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने होने वाली ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल, जो 1856 में इंट्रोड्यूस हुई और जो होता है अंग्रेज सरकार का 1947 तक एक मानक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ ब्रिटिश सेना का एक मानक राइफल बना रहा, तो 1947 तक ये जारी रहा। ब्राउन बेस जो ये राइफल है ब्राउन बेस, इसमें क्या होता था कि अलग से गन पाउडर और ये जो कैटेज होता था उसको अलग से ले जाना पड़ता था। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि इन्होंने एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस के स्थान पर लॉन्च कर दिया। अब इसमें क्या हो कि ये जो राइफलें जो दमदम अंबाला और सयालकोट में बनी चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था। चर्बी युक्त जो जिसको बोलते थे लाड का मतलब होता है बसा, और बसा किसका, ये बसा होता था गाय और सुअर का। और ये दोनों, गाय को हिंदू धर्म में
जो होता है कि माता के रूप में स्वीकार किया गया है। और सूअर जो होता है इस्लाम धर्म में, सूअर सूअर जो होता है इस्लाम धर्म में सूअर को हराम माना गया है। तो अब ये जो सैनिक थे उनके अंदर ये भावना हो गई कि ये अंग्रेज जो होता है जानबूझकर हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रही है और ईसाई बनाने का प्रयास कर रही है। तो ये तत्कालीन कारण था चर्बीयुक्त कारतूस, जिसमें गाय और सूअर के चर्बी लगी हुई थी, जिसको लार्ड बोलते थे। ये बसा होता था चिकना करने के लिए। अब जो होता है कि ये कार्टेज है, और इस कार्टेज को क्या होता था, मुंह से खोलना होता था। और फिर ये जो एनफील्ड राइफल का थूथून है, ये थूथून, इसमें इसको ठूसना होता था, इस थूथनों में इसको ठूसना होता था। तो ठूसना होता था और तब फायरिंग होती थी। तो अब मुंह से काटेंगे तो क्या क्या लगा, गाय और सुअर का बसा लग गया। चिकनाहट के लिए ऐसा किया जाता गाय और सुअर। अंग्रेजों ने जो अफवाह फैली, एक्चुअल में ये सही था, बट अंग्रेजों ने जल्दीबाजी में इसका खंडन कर दिया कि नहीं ये अफवाह है। लेकिन वास्तव में पता चला कि हाँ, इसमें गाय और सुअर के चर्बी का इस्तेमाल होता था। अब शुरुआत प्रक्रिया कहाँ से होती है, प्रक्रिया होती है अपने मंगल पांडे बैरकपुर में। ये मंगल पांडे जो था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री, ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका बन जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री के जो रेजिमेंट थी उसके ये सिपाही थे। और 29 मार्च को इन्होंने गाय और सुरभि जो गाय और सुअर की जो चर्बी के कारतूस थे उसको लेकर वहाँ के जो सैनिक थे उनको भड़काना शुरू किया, और भड़काने के बाद इनका जो होता है कि कई अंग्रेजों ने रोकने का प्रयास किया, तो इन्होंने कई पर फायरिंग भी की थी। और इनको जब इन्होंने देखा कि जो इनके सिपाही हैं, लगभग वहाँ 400 सिपाही थे, 400 बैरकपुर छावनी में, और 400 सिपाहियों ने कोई देखा कि कोई मदद नहीं कर रहा है, तो फिर जो होता है कि खुद को गोली मार ली। लेकिन जो इन्होंने वर्दी पहन रखा था वो उससे फाड़ते हुए वर्दी पास कर गई और ये मरे नहीं, पकड़ लिए गए। और पकड़ने के बाद 29 मार्च को ये घटना है, और पकड़ने के बाद इनको 18 अप्रैल के लिए फांसी की सजा मुकर्रर हुई। 18 अप्रैल को इनको फांसी दी जाएगी। लेकिन 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल, ये भी इम्पोर्टेंट है कब इन्होंने शुरू किया था, तो 29 मार्च को 1857 को शुरू किया, 8 अप्रैल, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी एक्चुअल में देना था 18 अप्रैल को, लेकिन 10 दिन पहले ही इनको फांसी दे दी गई। लेकिन जो बैरकपुर के जल्लाद थे ये कोई तैयार नहीं हुआ इनको फांसी देने के लिए। तो कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए इनको फांसी देने के लिए, कलकत्ता से बुलाए गए, क्योंकि पास के जो जल्लाद थे वो तैयार नहीं हुए, वहाँ के बैरकपुर के पास के जो जल्लाद थे वो तैयार नहीं हुए, तो कलकत्ता से जल्लादों को बुलाया गया, 4 जल्लाद इनको फांसी देने के लिए। अब ये पूरे भारत में ये अब आग की तरह से भड़कना, जो भड़ास था वो धीरे धीरे अब फूटना शुरू हुआ, बम बनने लगा। अब ये यहाँ पे कौन से क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन की मंगल पांडे कहाँ पे जो होता है कि अपना विद्रोह की शुरुआत की, तो विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर कैंट से होता है, छावनी से होता है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से रिलेटेड थे, तो ये है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री, BNI, बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री। कब इन्होंने विद्रोह किया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 29 मार्च 1857 को। और कब इनको फांसी दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को। और फांसी कब तय थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 18 अप्रैल नहीं 1857 को फांसी तय हुआ था, लेकिन इनको 10 दिन पहले फांसी दे दी गई। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे, आप देखें 1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे ने किसे गोली मारी थी, तो मेजर ह्यूसन ह्यू ग्रोथ जान को जनरल रेजिनाल्ड डायर, तो उन्होंने मेजर ह्यूसन को गोली मारी थी, मेजर ह्यूसन, ये सही है कि मेजर ह्यूसन को मंगल पांडे ने गोली मारी थी। यहीं पे एक क्वेश्चन, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई, तो
तो मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को, था तो 18 को लेकिन 10 दिन पहले दे दी गई। अब जो होता है कि अब ये प्रतिक्रिया शुरू हुई भड़ास अब निकालना। अब जो होता है बम था, बम वो फूटा। अब यही काम हुआ कि यहाँ पे मेरठ छावनी में 90 जो सैनिक थे उन्होंने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। कारतूसों का इस्तेमाल करने फिर क्या हुआ कि उनका कोर्ट मार्शल हुआ, मार्शल किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। अब ये जो 90 थे इसमें से 85 सैनिक 10 मई 1857 को विद्रोह कर देते हैं और मेरठ से शुरुआत होता है 10 मई 1857। आप इस को भी नोट करेंगे, 10 मई 1857 को यह विद्रोह शुरू होता है और मेरठ के जो सैनिक थे वो यहाँ से मेरठ पे विद्रोह करते हैं और फिर ये दिल्ली पहुँच जाते हैं। और दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर हैं, बहादुर शाह जफर जो दूती थे इनको अपना शासक घोषित करें, क्योंकि उस समय मुगलों को पूरे मुगल जो थे मुगल शासक वो भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उनका मानना था कि कोई उनका नेता होना चाहिए, इसलिए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर देते हैं। ले बहादुर शाह जो थे शुरुआत में क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी तो ये तैयार नहीं हो रहे थे, फिर बेमन के ये तैयार हुए और अब विद्रोह जो होता है एक चिंगारी भड़ास जो थी वो धीरे धीरे इकट्ठी हुई। अब आग का गोला बन गई, अब धीरे धीरे भड़ास जो होता है निकलना शुरू हुआ। अब विद्रोह के केंद्र क्या थे, तो विद्रोह के केंद्र थे आप देखें यहाँ से मेरठ, फिर दिल्ली है, सहारनपुर है, ये अम्बाला है, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, बनारस, ये सारे केंद्र थे। और अंग्रेज कैसे यहाँ से बढ़त लेते हैं, यहाँ से देखिए दमदम यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, अब यहाँ से आते हैं दबाने के लिए, फिर इधर लाहौर साइड से इधर से आते हैं दबाने के लिए, और फिर ये दक्षिण भारत से इधर से आते हैं, इनको अंग्रेज बढ़त लेते हैं और फिर इस विद्रोह को दबाते हैं। तो अब दिल्ली में जो जिस क्या सेनापति बनाया गया जनरल वक्त खान को, कानपुर में ये विद्रोह के नेता थे नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल कह दें कि नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी, और अपने पुत्र बिरजिस कातिर के लिए इन्होंने विद्रोह किया, और नाना साहब बाजीराव दूती, नाना साहब जो थे वो बाजीराव दूती दूती के दत्तक पुत्र थे, और बाजीराव कानपुर में पेंशन पर, अंग्रेजों के पेंशन पर रहते थे, और इन्होंने कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया, और बरेली में खान बहादुर खान है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं कि हर अलग अलग जगहों का नेता कौन था, जैसे कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, ये क्वेश्चन बन गया, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता, थोड़ा सा आगे अंदर जाएगा तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 में विद्रोहियों का नेतृत्व किया, वह अपने किस पुत्र को शासक बनाना चाहती थी या नवाब बनाना चाहती थी, तो बिरजिस कादिर था, उसके लिए इन्होंने विद्रोह किया था। बरेली में खान बहादुर है, बिहार में एक्चुअल में आरा एक जगह है, आरा जिला है, उसमें एक जगदीशपुर है, वहाँ के ये राजा थे कुंवर सिंह, और ये भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे लेकिन इन्होंने भी बड़ा ही विद्रोह बेहतर विद्रोह किया। और फैजाबाद जो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरनाक सबसे बड़ा विद्रोही था वो मौलवी अहमदुल्ला था, फैजाबाद में विद्रोह किया था। मूल रूप से यह मद्रास के दक्षिण भारत के मद्रास के रहने वाले थे लेकिन फैजाबाद में रहते थे, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया और झांसी खूब लड़ी, मर्दानी हुआ तो झांसी की वाली रानी थी ये सुभद्रा कुमारी चौहान का आप सुने हैं कविता, बड़ा ही खूबसूरत मार्मिक कविता है। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका
मणिकर्णिका, हाल ही में एक फिल्म भी आई है विवादित फिल्म, जिसमें कह दें ये कंगना रनौत ने रानी लक्ष्मीबाई का रोल निभाया है। काफ़ी चर्चित फिल्म है झांसी की रानी। झांसी की रानी अब ये बहुत ही अंग्रेजों से बेहतर तरीके से लड़ी, और इनका तोप जो जाता तोप वो भी आग का गोला उगलता था, लेकिन अंग्रेजों ने एक चाल चली, उन्होंने जो झांसी का किला था वो पीछे से हमला किया। अब पीछे से हमला किया तो अब सामने एक माता जी का देवी का मंदिर था। अब मंदिर की वजह से रानी ने मना कर दिया धार्मिक मामले में कि मंदिर को क्षति पहुंचेगी, इसलिए इन्होंने तोप को मना कर दिया। तब जाके अंग्रेज जो होता है यहाँ पे सफलता प्राप्त कर चुके किए। इलाहाबाद में जो नेता थे वो लियाकत अली थे, ग्वालियर में तात्या टोपे, गोरखपुर में गजाधर सिंह, फर्रुखाबाद नवाब तफज्जुल हुसैन, हरियाणा राव तुलाराम, और ये हैं तात्या टोपे। ये भी बड़े बड़े निर्भीक साहसी, और इनको पकड़ा नहीं जा सका। लेकिन इन्हीं के जी कह दे कि जब तक ये सोने में इनको धोखा देकर नरवर के जो शासक था मानसिंह, उसने इनको धोखा दिया, और इनको जो होता है परोन परोन के जंगल में अंग्रेजों ने पकड़ लिया, और फिर इनको फांसी दी गई। तो मथुरा में देवी सिंह और सागर कदम सिंह, रायपुर नारायण सिंह, ये विद्रोह के। अब विद्रोह कौन कौन दमन करता है, तो दिल्ली में जॉन निकोलसन है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस है, कानपुर में सर कोलिन कॉम्बेल है, झांसी और ग्वालियर में जनरल ह्यूग रोज है, और इलाहाबाद बनारस में कर्नल आंसेल है। ये लोग जो होता है विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बिहार में विलियम टेलर है, बरेली में सर कोलिन कैंपल है। अब आते हैं हम लोग MCQ पर। 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, दिल्ली झांसी मेरठ कानपुर। तो यह हम लोगों ने देखा था कि 10 मई 1857 में मेरठ से यह विद्रोह की शुरुआत हुई थी। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेलवाक की मृत्यु हुई, तो हेलवाक की मृत्यु जो होता है लखनऊ में हुआ था हेलवाक की मृत्यु। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई, तो जॉन निकोलसन था। दिल्ली के विद्रोह के दमन करने में इसकी मृत्यु हुई थी। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय क्रिस भी, तो बिहार में अभी हम लोगों ने देखा था कि टेलर और विंसेंट टेलर था, और विंसेंट आयर भी दो लोग थे। ये है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई, तो ये तो हम लोग देखे निकोलसन था। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस मृत्यु हो गई, ये कई बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना एचिसन ने इस कथन के संबंध में, तो ये सबसे बेहतर जो 1857 के तालमेल मिला वो था कह दें हिंदू मुस्लिम एकता, और ये इन्होंने फूट डालो की नीति यहाँ पे सफल नहीं हो पाई। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा 1857 का विप्लव। चंपारण सत्याग्रह नहीं है, खिलाफत असहयोग आंदोलन नहीं है, हालांकि खिलाफत असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई, लेकिन जितनी इसमें अच्छी थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं थी। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और उसके अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो आपको बताएं तात्या टोपे थे, और इनको धोखा दिया था नरवर नरवर के शासक मानसिंह ने। मानसिंह भाई बड़े खतरनाक होते हैं। मानसिंह एक और थे अकबर के समय, अकबर का साथ देते थे, राणा प्रताप के भी विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, तो तात्कालिक तो एक्चुअल में जो कह दें तो चर्बी वाले कारतूस थे, और चर्बी वाले कारतूस से धार्मिक हस्तक्षेप हो रहा था। जैसे उसमें गाय और सूअर, तो गाय को हिंदू माता मानते हैं और सूअर को
जो मुसलमान होते हैं वो हराम मानते हैं। तो धार्मिक भावनाओं में जो भड़क रही थी वो हो सकता है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा टिपिकल है, सैनिक असंतोष था ही, लेकिन तात्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूस थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ना इलाहाबाद को मुख्यालय बनाया था। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन? कुंवर सिंह। ये बिहार आरा आरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जगदीशपुर, और वहीं के शासक थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो आप भी बताया कि फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था वो ही सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मीर तकी मीर है, जौक है, इकबाल है, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो होते हैं इसमें कुछ उर्दू में कविताएं लिखते हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा भी था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाम अस्टर्न, लॉर्ड पाम अस्टर्न मंत्री प्रधानमंत्री था, और इसके जो दूसरी पार्टी थी उसके प्रतिद्वंद्वी थे विलियम डिजराइली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली थे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं वो सब के सब मैंने फैक्ट में रखा है। अब क्वेश्चन आपको पकड़ना है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पैटर्न क्या होता है, कैसे बनते हैं। यानी जितने भी विद्रोही केंद्र थे वहाँ के नेता मालूम होना चाहिए, थोड़ी बहुत हिस्ट्री काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ का नेता कौन था और वहाँ को किसने, किस अंग्रेज ने दबाया था, और कुछ डेट जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसको भी आपको की पॉइंट के रूप में नोट करके आपको याद करना है, लर्न करना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एक्चुअल में बीडी सवारकर तो लिखते हैं कि ये जो होता है प्रथम स्वतंत्रता, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीडी सवारकर लिखते हैं कि यह जो होता है स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष था, बीडी सवारकर। लेकिन जो सरकारी इतिहासकार थे वो ESN सेन थे, और RC मजमूदार इस पर ये लिखते हैं कि न तो यह प्रथम था और न ही स्वतंत्रता था। तो RC मजमूदार की कुछ अलग थ्योरी है, लेकिन बीडी सवारकर इसको स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, और जो सरकारी इतिहासकार हैं वो ESN सेन है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 कंपनी को भंग कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल था वो चूंकि अब क्राउन का प्रतिनिधि हो गया, ब्रिटिश क्राउन का, तो अब उसको वायसराय भी कहा जाने लगा। और वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का प्रथम वायसराय, लॉर्ड कैनिंग जो होता भारत का प्रथम, ये भी आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखें। और लॉर्ड कैनिंग ही 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था, और जब क्राउन कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई, और जब ये क्राउन का प्रतिनिधि बन गया सीधे अंग्रेज ब्रिटिश जो राजा था, महारानी थी, वो यहाँ के शासिका हो गई, और क्राउन का जब प्रतिनिधि हो गया तब इसको वायसराय कहा जाने लगा। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को बोला जाता है कि प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय, गवर्नर जनरल तो बोलते ही थे ये लोग। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो ये है जीनत महल, लखनऊ में अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने षड्यंत्र रचा था। नेक्स्ट है, किस वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज इसने झांसी में दबाया था? भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द हैं, तो ये कहा था लक्ष्मीबाई के बारे में, लक्ष्मीबाई जो झांसी में विद्रोह की नेता थी। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति है जिसको जिसकी 1857 के विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो महत्वपूर्ण तो सब थे, कैंबेल,
कैम्बल जो होता है काफ़ी इसने दबाने में मदद की है। नेक्स्ट है हम लोग का 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह दुती को कहाँ से और किसने गिरफ्तार किया। तो मुगल बादशाह यही एक सबसे बड़ी कमजोर कड़ी थी 1857 के विद्रोह की, कि विद्रोहियों का एक सशक्त नेतृत्व नहीं मिल पाया। अगर ये बूढ़े नहीं होते और कोई और मुगल सम्राट होता तो शायद हो सकता है कि कुछ मजरा और होता। हिमाऊ के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हॉडसन ने पकड़ा था और फिर इनको रंगून भेज दिया गया। इनको रंगून भेज दिया गया। 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की। तो ये करता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो अभी आपको बताया कि निर्वासित कर दिया गया रंगून। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, यह भी आपको बताया, मणिकर्णिका नाम था, और मनु भी कहते थे इनको, रानी को। नेक्स्ट है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम था, तो उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग मूल नाम था तात्या टोपे। कानपुर में भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो ये नेता थे नाना साहब नेता थे। बेगम हजरत माल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर के से किया था, तो वो था लखनऊ। बाद में ये नेपाल भाग गई थी। 1857 में बरेली के विद्रोह का नेता कौन था, तो बरेली में खान बहादुर खान थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अंग्रेज भारतीय सेना ने सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाली एनफील्ड राइफल्स को कब शामिल किया है। तो अभी बताया आपको, जब हमने इंट्रोड्यूस किया था तो 6 दिसंबर था 1856 को, तो दिसंबर 1856 में इसको लॉन्च किया गया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था, तो चर्बी वाले कारतूस जो थे वो 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण थे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह को सूत्रपात किया था संबंधित थे। ये भी हम लोगों ने देखा BNI, बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री, 34वीं बंगाल नेटिव, BNI से आप याद करें, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री थी। सर्वप्रथम कहते हैं तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह, आपको बताएं कि जो पामास्टर्न वहाँ का प्रधानमंत्री था और उसका विरोधी था बेंजामिन डिजराइली, डिजराइली इसने जो होता है कि उनकी आलोचना करते हुए राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अब जो होता है 1857 के विद्रोह का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो ये एक रहस्यमयी चिन्ह था, कमल और चपाती, जो होता है कि रहस्यमयी तरीके से गांव गांव इसको बांटा जाता था, कमल और चपाती था। मेरठ के विद्रोह का कब आरंभ हुआ था, तो 10 मई 1857। अब ये हमारे क्वेश्चन थे 10 मई 1857 को विद्रोह। आई होप आप लोगों के लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। थैंक यू।